नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है। श्रीलंका ने भारत के एक दो नहीं बल्कि 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका की दोस्ती कितनी अच्छी है ये आप सभी को पता ही है। जब चाइना ने श्रीलंका को अपने ट्रैप जाल में फंसा लिया तब भारत ने श्रीलंका को आर्थिक हो या कुछ दिन पहले ही भारतीय एयरफोर्स द्वारा चाइना के खराब फर्टिलाइजर के बदले भारत ने श्रीलंका को फर्टिलाइजर दिया था। आपको बता दें कि श्रीलंकाई सरकार ने खाद रहित खेती करने पर जोर दिया है, जिसके लिए श्रीलंकाई सरकार ने चाइना के कंपनी को फर्टिलाइजर का ऑर्डर दिया था, जो कि चाइनीज कंपनी श्रीलंका को फर्टिलाइजर पहुंचाई भी थी लेकिन लैब टेस्ट में वह पूरी तरह से पास नहीं हो पाया था। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर अभी आई बटन में ऊपर आ रहा होगा या फिर इस वीडियो के अंत में आपको दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन खबर पर। तो श्रीलंका की नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 43 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 6 नौकाओं को जब्त किया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। श्रीलंका की नौसेना ने शनिवार को जाफना में डेल्फट द्वीप के दक्षिणी पूर्वी समुद्र क्षेत्र में इन मछुआरों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान में कहा कि 18 दिसंबर 2021 की रात को जाफना के डेल्फट द्वीप के दक्षिण पूर्व समुद्री क्षेत्र में नौसेना द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए मौजूद 6 भारतीय जहाज को जब्त किया गया है, जिसमें 43 भारतीय मछुआरे भी सवार थे। उत्तरी नौसेना कमांड से जुड़े 04वें फैक्ट अटैक क्राफ्ट फ्लोटिया 4FAF के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने यह गिरफ्तारी की है। उन्होंने बताया कि यह अभियान के दौरान कोविड-19 दिशा का निर्देश का पालन किया गया है। पकड़े गए सभी भारतीय मछुआरों को रैपिड एंटीजन जांच की गई है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपने की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि दोनों देशों के मछुआरे अनजाने में एक दूसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में अक्सर गिरफ्तार किए जाते हैं। मछुआरों का मुद्दा द्वीपीय संबंधों में एक प्रमुख अड़चन बना हुआ है। खैर, आपका क्या राय है? क्या श्रीलंका इस पर कुछ कार्रवाई करके भारतीय मछुआरों को छोड़ देगा कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।